नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं टॉप हेडलाइंस के साथ। तो आइए नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को किया ढेर। 24 घंटे से भी कम समय में सुरक्षा बलों ने मार गिराया आतंकी। हालांकि पहले मारे गए आतंकी की नहीं हो पाई पहचान। श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई शुरू। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने घेरे हुए 3 आतंकी। पुख्ता सूचना पर क्षेत्र में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों व आतंकियों में शुरू हुई मुठभेड़। चास इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना। गांव पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थों के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों से बरामद हुई 10.2 किलोग्राम चूरा पोस्त व 7 ग्राम ब्राउन शुगर। दोनों की पहचान निजाम हुसैन व हरुण सलाम के रूप में हुई। जेके पीएससी ने रद्द की कंबाइंड कॉम्पिटेटिव प्रीलिमिनरी परीक्षा। 17 नवंबर को ली जानी थी ये परीक्षा, किन्हीं कारणों से हुई कैंसिल। कहा जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का किया जाएगा ऐलान। पर्यटन निदेशक विवेकानंद राय ने किया सुचेतगढ़ सीमा का रणनीतिक दौरा। विकास कार्यों के साथ पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उनके साथ मौजूद रही संयुक्त निदेशक पर्यटन सुनैना मेहता। ईडी ने किरण पटेल के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। श्रीनगर की अदालत ने पटेल को 27 नवंबर को पेश होने का दिया निर्देश। बीते साल पटेल ने खुद को बताया था पीएमओ का एक अधिकारी। गैर हाजिर पाए गए शिक्षकों के खिलाफ डीसी रियासी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। डीसी रियासी ने शनिवार को किया था एक स्कूल का दौरा, वहां पर कुछ शिक्षक पाए गए थे गैर हाजिर। मुख्यमंत्री ने गांदरबल में ली अधिकारियों की बैठक। विकास परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति का किया आकलन। उन्होंने कहा जनता के साथ हमारा संपर्क चाहिए बढ़ना। किश्तवाड़ डोडा में मनाया गया 349वां उर्स मुबारक। हजरत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन को उर्स में किया गया याद। उर्स में शामिल हुए मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग। उधमपुर में सफाई कर्मचारियों ने एकता की कायम की मिसाल। हड़ताल के बावजूद नगर कीर्तन के लिए की सफाई ताकि गुरु की संगत को गंदगी से ना होना पड़े दो चार। पुंछ में बसों से निकलने वाले धुएं को लेकर लोग परेशान। लोग बोले इस धुएं से लोग पड़ रहे हैं बीमार। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस व एआरटीओ से कार्रवाई का किया आग्रह। लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम से आज व कल मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने आज व कल बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। कहा सोमवार को कई क्षेत्रों में हो सकती है बारिश से प्रभावित। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दोनों तरफ से जारी है यातायात। छोटे व बड़े वाहनों को दोनों तरफ से आने जाने की रही इजाज़त। हालांकि जाम से बचने को कतारों में चलने की दी सलाह। जम्मू के वेद मंदिर रामफला में आयोजित हुआ विशाल जागरण। श्री चंडी माता सेवा समिति जम्मू के चेयरमैन सुनीत रैना ने किया आयोजन। जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे भाजपा नेता मुनीश शर्मा। तो टॉप हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोजर मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।